प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि शिशु चिल्ड्रन जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बिकॉज बहुत टाइम से हमें ये प्रॉब्लम्स कुछ आ रही थी जिसमें मीडिया वालों ने हमें बहुत इस चीज़ को हाईलाइट किया था अबाउट सम थेफ्ट्स दैट वर हैपनिंग इन उधमपुर. तो बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट ऑफ वन पर्टिकुलर चंद्रशेखर जी दैट उनकी स्कूटी चोरी हुई थी ऑन द 24th ऑफ दिस मंथ, तो उसको लेके जो भी हमारा इनिशियल इंक्वायरीज थी, हमारी इन्वेस्टिगेशन, इट हैज़ लेड अस टू रिकवरिंग ऑफ 8 bikes from a vehicle thief. और उसी में हम ये यू नो लाइक हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि नॉट ओनली इज़ थेफ्ट अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट क्योंकि इसके साथ साथ हमें जो स्मॉल टाइम ड्रग कंज्यूमर्स हैं उनका एक एंगल बीच में निकल के आया है. तो थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस वी वॉन्ट टू हाईलाइट दिस इशू फॉर ऑल द पेरेंट्स टू बी, जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे यू नो चाहे उधमपुर में हो या जम्मू हो, क्योंकि हमारा दायरा अभी इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर्टिकुलर केस को लेके गया है. हम अपील उन्हीं पेरेंट्स से करते हैं दैट इन केस यू हैव सम चिल्ड्रन हु हैव कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, सीक हेल्प इससे पहले कि आपके बच्चे इन कामों में निकल जाएं जहां से फिर उनका रिटर्न पाथ या जो है वो मुश्किल हो जाता है. ये पर्टिकुलर जो व्हीकल थीव्स का गैंग हमने बस्ट किया है जिनसे अभी हमें 8 बाइक्स का रिकवरी हुआ है, एंड वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग द मैंडेट फर्दर कि इसमें अगर हमें और कुछ भी सीजर मिलता है या कोई रैकेट बस्ट होता है, बट इन 8 बाइक्स का जो है इट वाज डम्प्ड यू नो इन रूरल एरियाज़. तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, अगर उनको कोई भी अनआइडेंटिफाइड बंदा या बाइक या कोई व्हीकल या कुछ भी ऐसा मिलता है प्लीज़ हाईलाइट इट बिफोर इट इज़ डिसमेंटल्ड एंड देन डिस्ट्रॉयड. तो ये हमारी अपील लोगों से है कि एक तो कंप्लेंट करने में आप देरी ना लगाएं, इंस्टेंट अगर आप कंप्लेंट करें और कोऑपरेट करें विद द पुलिस तो दिस पर्टिकुलर केस इज़ वन यू नो एग्जाम्पल वेयर हमारे जो एसएचओ साहब नए आए हैं इंस्पेक्टर चंचल एंड द डीएसपी हेडक्वार्टर, इन दोनों की यू नो लाइक एफर्ट्स, द डीएसपी इसी सुपरविजन से दे हैव बीन एबल टू क्रैक दिस. बट उसमें अगेन वी से द कोऑपरेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द यू नो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन बाय दोज कंप्लेनेंट्स टाइम पे वो हमें बहुत हेल्प होती है. तो वही हम लोगों से एक्सपेक्ट एंड यू नो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन देने में या एक तो आपकी देरी नहीं होनी चाहिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में झिझक नहीं होनी चाहिए आपकी. मैडम हर बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं बहुत, पुलिस ने नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पुलिस कहीं पे भी नाकाम होती है. जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें जहाँ तक लीड करती है वहाँ तक हम गए हैं. दे सर्टन पीपल जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको पीएसए में भी अंदर रखा गया है. तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस किसी एंड पे जाके नाकाम. यस, लिमिटेशंस होती हैं. अगर आप बोलते हैं कि बिल्कुल सोर्स तक जाइए तो उसमें कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टिगेशन रोड ब्लॉक्स जो होते हैं या जिसको हम कल्देसाक बोलते हैं कि कहीं जाके ये लीड्स फिनिश भी हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज नेटवर्क एंड द पुलिस इज ट्राइंग, द एंडेवर इज टू यू नो ब्रेक दिस नेटवर्क एंड काफ़ी हद तक इसमें आई वुड से कि पॉजिटिव काम हुआ भी है. मैम अगर हम माने कि हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको पुलिस में आने से कोई झिझक है मेडिकल के पास तो आप जा सकते हैं. आज के टाइम में एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैज़ अ साइकेट्रिस्ट, एवरीबडी हैज़ अ काउंसलर. जम्मू कश्मीर पुलिस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रन करते हैं. तो सीकिंग हेल्प में अगर आप शर्म रखेंगे तो आपको किसी ना किसी स्टेज पे ये बात आपके हाथ से निकलेगी. हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं. अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो आप ट्यूशन पे लेके जाते हैं. अगर आपका बच्चा सोशली किसी गलत रास्ते पे निकला है, जस्ट बाय सीकिंग हेल्प वी आर ओनली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग अ बिगर क्राइम और द चाइल्ड फ्रॉम बिकमिंग अ बिगर क्रिमिनल. मैम दो चीज़ें, एक तो यहाँ पे जो जी एज ऑफ नाउ जो हमारा प्राइम अक्यूज्ड है वो एक मजालता का बाशिंदा है बशीर अहमद, उसी का ये सारा काम है. बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन इज़ फर्दर ऑन वे, वी आर नॉट क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन मैंडेट कि इस पे हम क्लोज नहीं कर रहे हैं. अगर इसमें हमारे को और कोई लीड्स मिलते हैं वी शैल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर देम. मंशा क्या रही है चोरी करने की, स्कूटी की बात कर, क्या मंशा रही, कोई ड्रग्स की बात सामने है या कोई बेचते हैं किसी को? देखिए मंशा तो इवेंचुअली इट इज़ कमर्शियल ओनली. आप अगर चोरी कर रहे हैं तो इट इज़ ओनली एंड ओनली टू सेल इट फॉर मनी एंड फर्दर वेर एवर यूज द मनी वो एस्पिरेशनल आपका है. ऑर्गेनाइज क्राइम एज सच यहाँ पे नहीं है. बहुत सारे ये जो बाइक्स इन्होंने उठाए हैं उसमें हमने देखा है
आपकी चाबियां भी बीच में कई बार छोड़ी होती हैं या आपकी स्कूटी अनलॉक्ड होती हैं या आपको एक आधे दिन तक पता ही नहीं चलता है, तो ये कोई इस तरीके के बहुत, अगर आप बोलें कि ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत एक्सपर्ट क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं है. बट अगेन दीज आर पीपल हु हैव डन इट रिपीटेडली एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डील विद इट स्ट्रिक्टली अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. जो ऑर्गेनाइज आप बता रहे हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे कंज्यूमर्स हैं, तो ये इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है. तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो खासकर ड्रग्स से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट में किस लेवल तक पहुंच गया हुआ है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए डेफिनेटली एक चैलेंज है एंड आई ऑलवेज से कि इसमें हम जो जनरल पब्लिक का तावन है उसको सीख भी करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं. और अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने में बहुत अच्छी यू नो लाइक रिकवरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें समबडीज फोन इज रिंगिंग, तो वो सब तो इसी उसमें, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. ये कोई डेस्टिनेशन तो नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है कि आज हम बोलेंगे कि ड्रग्स खत्म हो गया है. ये एक इट्स काइंड ऑफ एन ऑनगोइंग सोशल वॉर जिसमें जो इसको फैलाना चाहते हैं वो कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि इसका दायरा बढ़ाएं, और जो लॉ मेकिंग या जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनका कॉन्स्टेंटली ये एक एंडेवर रहता है कि किस तरीके से नए स्किल्स को, नए साइंटिफिक मेजर्स को, नए लीगल प्रोविजंस को ला के इसको हम कम कर सकें, इसको कर्ब कर सकें. ऑल ओवर, ऐसा कोई एज लेवल नहीं है. हमने माइनर्स भी देखे हैं, हमने इसमें काफ़ी मच्योर एडल्ट्स भी देखे हैं. बिल्कुल है, वो आपको एज द पब्लिक यू वुड नो कि इसमें कुछ टीनेजर्स भी हैं जो दे आर नॉट येट मेजर्स एंड दे आर ट्राइड अंडर जुवेनाइल लॉ. Thank you.